बुलंदशहर में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली 2024 के लिए भरेंगे हुंकार। करीब 20,000 करोड़ की देंगे सौगात। सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से आज पीएम करेंगे संवाद। 2 दशक के कार्यकाल के बारे में देंगे जानकारी। 50 लाख युवाओं के जुड़ने का अनुमान। ज्ञानवापी एसआई सर्वे रिपोर्ट पर बड़ा फैसला। दोनों पक्षों को दी जाएगी एसआई की सर्वे रिपोर्ट। आज नकल लेने के लिए हिंदू पक्ष देगा प्रार्थना पत्र। 6 फरवरी को होगी सभी मुकदमों की अगली सुनवाई। अयोध्या में आज से राम मंदिर के दर्शन का नया समय लागू। आज से राम भक्त सुबह 6 बजे ही कर पाएंगे रामलला के दर्शन। बड़ी संख्या में लगातार अयोध्या पहुंच रहे लोग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में लगेगी रामलला की तीसरी मूर्ति। जी मीडिया पर देखिए मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बहराइच के कतरनिया घाट में तेंदुए को पीट पीट कर उतारा गया मौत के घाट। 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 दर्जन लोग थे शामिल। बहराइच में नेपाली युवक का अपहरण करने वाले 3 भारतीय युवक गिरफ्तार। हत्या का था इरादा, पुलिस ने किया खुलासा। हरदोई में बिलग्राम मल्लाबा विधायक पर रिटायर्ड शिक्षक की जमीन कब्जाने का आरोप। धरना देकर डीएम को दिया ज्ञापन, विधायक पर कार्रवाई की मांग। ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर वेटलैंड में होगा प्रकृति और पक्षी महोत्सव का आयोजन। आगामी 27 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा महोत्सव का आयोजन। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोहरे का कहर। सड़कों पर विजिबिलिटी 0। रेल और हवाई सेवा पर भी पड़ा असर।